जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वीडियो में सबसे पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी बिहार एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में बातें करने वाले हैं। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के बारे में भी कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिहार एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो इस पर बातें कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग एक अनुमान देख सकते हैं, अनुमान और तर्क के अनुसार। उसके बाद आगे बातें करेंगे सीटों की संख्या के बारे में, कंप्यूटर साइंस विषय में कितने पद, तो ये सभी के बारे में। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में कितने पद, सातवें चरण के लिए भी बातें करने वाले हैं कितने पद आ सकते हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं अनुमान एवं तर्क के अनुसार, तो आप लोग देख रहे होंगे मात्र 43,000 पद, तो अधिकतम बात कर रहे हैं 43,000 पद पे बहाली में ही एसटीईटी स्टेट 2019 संपूर्ण बहाली। तो जितने भी क्वालिफाइड हैं आप लोग जानते हैं 80,000 भले ही संख्या हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना है। और फाइनल रूप से बात करें तो मात्र 43,000, तो बहुत अधिक यदि मानकर चलते हैं तो 45,000 आप लोग मानकर चल सकते हैं इसी में संपूर्ण बहाली होगी। इतने पदों पर बहाली में ही संपूर्ण बहाली, तो कैसे? तो आप लोग देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं अन्य सभी विषय, दो विषय जैसे कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय, तो इसको छोड़कर चलें तो आप लोग घटा कर देख सकते हैं 80,000 में से 26,000 सोशल साइंस विषय का आप लोग घटाएंगे, उसके बाद 17,000 कंप्यूटर साइंस विषय का, तो 37,000 ही है अन्य सभी विषय में। और इसमें भी पेपर वन और पेपर टू तो दोनों में हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन हैं, कॉमन अभ्यर्थी हैं जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तो यही बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी हो गया, तो ये सब में कॉमन है अभ्यर्थी, तो जिसके कारण संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, अन्य जैसे अपियरिंग होते हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं, इसके अलावा बीएड भी नहीं होते हैं, तो ये सभी बातें हैं। तो इस कारण से आप लोग मान कर चलें कि अन्य सभी विषय में 25,000 जी, अन्य सभी विषय में 37,000 में से 25,000 यदि आप लोग मान कर चलें 25,000 हो गया। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में जो अभी खबरें निकल कर सामने आई इस पर आगे बातें करने वाले हैं, तो 8,000, 7 से 8,000 की बातें निकल कर सामने आ रही है सोशल साइंस विषय में अभी के अनुसार। लेकिन पिछले वीडियो में बातें किए हैं कि 10,479 पद के बारे में, तो यदि आप लोग प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ जाए, तो इसीलिए अधिकतम की बातें कर रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को काफ़ी प्रयास करने की जरूरत है और मांग हमेशा निरंतर करने की जरूरत है, चाहे सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हों या फिर कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हों, लगातार प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और मांग जारी रखने की जरूरत है। और हमेशा बार बार मिलने हैं और यह बातें आगे भी बातें करने वाले हैं, मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी से हों या फिर अपनी बातों को वित्त मंत्री जी तक पहुँचाएँ, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ, इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी आज पटना आ चुके हैं, यह दिल्ली से यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और फिर से बातें की हैं कि 10,00,000 नौकरी के बारे में, जिसके बारे में पहले भी बातें किए थे, तो इसीलिए पहुँचाएँ कि रिक्तियों की संख्या ऐसे में बढ़े, खास करके कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है और सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके और संपूर्ण बहाली भी हो सकती है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। बिल्कुल, इतने पद आप लोग देख रहे होंगे इसी में पक्की हो सकती है। और पक्की के लिए ये भी बातें की थे तीन उपाय के बारे में, जिसके बारे में कई बार बातें कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा बातें इस पर नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि संक्षेप में आप लोग जान सकते हैं कि एप्लीकेशन से लिंक करने की बातें किए थे, सातवें चरण का जो ऑनलाइन अप्लाई होंगे उसको लिंक कर देने से एस्टेट 2019 एप्लीकेशन से, और प्रिंट के लिए फिर से लिंक एक्टिवेट कर दीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को एस्टेट 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं होगा तो फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाए और सभी डाउनलोड करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नियोजन इकाई में प्रिंट भी लिया जाए, तो ये सब करने से, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच करने से, तो ये सब हों तभी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, जितने भी वास्तविक क्वालिफाइड हैं, और संपूर्ण बहाली भी हो सकती है। और मात्र 43,000 पद आप लोग
जोड़ सकते हैं 25,000 और 10,000 मानकर चले हैं कि सोशल साइंस में यदि मांग की जाती है तो हो सकता है बढ़ जाए, और कंप्यूटर साइंस में 8,000 से 9,000। तो आप लोग इतने मानकर चले कि यदि सभी अभ्यर्थी प्रयास करते हैं, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते हैं, कुछ अभ्यर्थी मिलते हैं बार बार, और ऐसे में रिक्तियों की संख्या बिल्कुल ही बढ़ सकती है। कंप्यूटर साइंस का महत्व के बारे में बातें कर चुके हैं, 10 ऐसे कारण भी बताए हुए थे, महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें भी किए थे, बिल्कुल ही बढ़ सकती है यदि प्रयास किए जाएं तो। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे में संपूर्ण बहाली की बातें कर रहे हैं तो मात्र 43,000 पदों पर बहाली में। तो आप लोग को लगेगा कि इतना पैसा 43,000 कैसे आएगा, 43,000 शिक्षक का वेतन की बात करें तो ऐसे में काफ़ी कम पद अभी भी हैं, जैसे कि पहले भी बातें किए थे तो काफ़ी कम पद कहे जा सकते हैं फिर भी, और इसी में संपूर्ण बहाली हो जाती है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे वित्त मंत्री जी एसटी धोनी शिक्षक वेतन प्रबंध यहाँ से, तो वेतन प्रबंध यहाँ से मतलब कि छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कितने पदों पर बहाली हुई है और कितने पद थे, तो 32,714 पद थे छठे चरण में, और बहाली कितने पदों पर हुई है, 2716 पदों पर। तो लगभग कितने वेतन की बचत हुई है सरकार को, तो लगभग 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के वेतन की बचत हुई है सरकार को। तो क्यों नहीं इतना संपूर्ण बहाली संभव है, सोशल साइंस में भी रिक्तियों की संख्या का बढ़ना क्यों नहीं संभव है, और कंप्यूटर साइंस में भी रिक्तियों की संख्या का बढ़ना क्यों नहीं संभव है, जिसमें अधिक क्वालिफाइड हो तो उसमें संपूर्ण बहाली होनी ही चाहिए। यही बातें हैं, वैसे फिर से पद रिक्त रह जाएंगे, अन्य विषय में बहुत ज़्यादा करके दिखाने से क्या फ़ायदा है। तो यही बातें हैं, पद बहुत दिखाए जाते हैं लेकिन बहाली कम पदों पर होती है, इसका तो परिणाम आप लोग देख सकते हैं, छठे चरण में ही 32,714 पद दिखाए गए लेकिन बहाली कितने कम पदों पर हुई, 2716 पदों पर। तो यही बातें होंगी यदि इतने सोशल साइंस में और कंप्यूटर साइंस में रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ती है तो यही बातें हो जाएगी। तो इसीलिए इन दो विषयों में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए काफ़ी प्रयास करने की जरूरत है, दोनों विषय के अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, और सभी विषय के अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, साथ साथ सातवें चरण का नोटिफिकेशन भी विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं ऐसे में कंप्यूटर साइंस में आप लोग देख सकते हैं 7200 आप लोग मानकर चलें, 7200 प्लस में 1,000 पद जो पहले से स्वीकृत हैं और इसके अलावा 300, तो लगभग 8,000 से 9,000 के बीच में रिक्तियों की संख्या देखने को मिल सकती है, और सोशल साइंस में बात करें तो 8,000 से 9,000 के बीच में, नहीं 7 से 8,000 के बीच में, लेकिन इसकी संख्या बातें किए थे 10,479, 5,054 और 5,425 के अनुसार। तो विद्यालय की संख्या के अनुसार तो 7 से 8,000 ही पद होते हैं, पहले से भी शिक्षक हैं। कंप्यूटर साइंस में तो पहले से शिक्षक की बातें करें तो 400 2015 में इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था, और इसके अलावा छठे चरण में कम ही पदों पर हुई है, इसके अलावा कुल मिलाकर 600 ही होंगे अधिकतम कंप्यूटर साइंस में पहले से शिक्षक, जबकि सोशल साइंस में अपेक्षाकृत अधिक शिक्षक हैं। तो विद्यालय की संख्या के अनुसार तो 7 से 8,000 पद हो जाते हैं, लेकिन प्रयास करने से 10,000 से अधिक पद आ सकते हैं, जी बिल्कुल आ सकते हैं यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो। कहीं कहीं हो सकते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात की बातें करें तो इस अनुसार से कहीं कहीं दो शिक्षक होंगे, तो इस अनुसार से ही तो 10,479 पद हैं, तो यही बातें हैं, तो इसीलिए प्रयास करने से इतने पद आ सकते हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग इसके अलावा जो सचिवालय अपडेट की तौर पर बात करें या फिर वार्ता की तौर पर बातें करें तो ये बातें हैं कि कौन कौन पद जुड़ेंगे, तो जो हैं नव सृजित पद हैं वो भी जुड़ेंगे, बैकलॉग के पद जो हैं वो भी, अर्थात जो छठे चरण के पद होते हैं वो अगले चरण में जुड़ जाएंगे सातवें चरण में, तो ये हो गया बैकलॉग के पद। इसके अलावा रिटायर जो हुए हैं तो ये पद जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बातें की जाती है 20,00,000 नौकरी और रोजगार, तो कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं रिक्तियों की संख्या बढ़े, संपूर्ण बहाली क्यों नहीं हो जितने पद हैं, तो इसीलिए प्रयास करने की जरूरत है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को, खास करके काफ़ी प्रयास करने की जरूरत है जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। अब प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं, सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, छठे चरण की प्रक्रिया पूरी और विभाग छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त करने के मूड में है, और सातवें चरण की तैयारी, और आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी में लगभग 48,000 पद रिक्त रह गए हैं और ये पद सातवें चरण में जुड़ जाएंगे, बैकलॉग के पद जुड़ जाते हैं, तो अच्छी खबर है। और चितरंजन गगन जी द्वारा जो बातें स्पष्ट की गई है नया खुलासा के तौर पर बात करें, इसके अलावा पहले भी बातें की हैं, जो बातें हैं कि पहले प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसके बाद प्राइमरी की पूरी हो, लेकिन विज्ञापन एक साथ जारी किया जा सकता है, तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा आगे बातें करें तो इसके अलावा जो बातें निकलकर सामने आई है कि जो नियमावली 2022 की खबरें जिसमें, इसके अलावा और भी बात करें कि इस साल सब कुछ स्पष्ट हो सकता है, लेकिन अब नया खुलासा हुआ कि इस साल नियुक्ति तक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखेगी अगले साल प्रक्रिया जा सकती है, लेकिन इस साल विज्ञापन ही जारी हो जाए तो और भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों हैं सभी को। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।